Hello friends, welcome back to my channel and this is Varsha. So मेरे title से पता चल गया होगा कि आज की जो है that is my pregnancy update, fourth trimester. So everyone will be thinking like कि fourth trimester क्या होता है, pregnancy ही तो तीन trimester होते हैं. So ये जो fourth trimester होता है ना, ये वो trimester होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, कभी रीज़न जानने की कोशिश की है? रीज़न ये है क्योंकि दैट इज़ ऑल अबाउट मदर. सो इट्स यू नो नॉट इंडियन मेंटालिटी, काइंड ऑफ पूरी दुनिया की ये मेंटालिटी है कि भैया जब तक आप प्रेग्नेंट हो, जैसा आपका बेबी हो गया फाइन, बट ये लोग भूल जाते हैं कि मदर्स के ऊपर जब वो बच्चे को जिस दुनिया में लेकर आती हैं बहुत चीज़ें चलती हैं. ये नहीं कि जब तक बच्चा पेट के अंदर है बच्चा निकल गया फाइन, बच्चा हेल्दी निकल गया दैट इज़ गुड. उस बच्चे को हेल्दी रखने के लिए भी हमको क्या क्या करना पड़ता है दैट वी नो. एंड देन जब वो बच्चा यू नो जब बच्चा सेफली बाहर आ जाता है, सब बच्चे में लग जाते हैं विच इज़ गुड. मैं मना नहीं कर रही हूँ कि भैया क्यों उसमें लग रहे हो, बट पीपल फॉरगेट कि मदर्स की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है. एंड फोर्थ ट्राइमेस्टर इज ऑल अबाउट दिस, जो लोग नॉर्मली इग्नोर करते हैं. एंड लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज इसमें आपकी फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ आती हैं मदर्स की. लुक, मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मैंने बहुत जगह पढ़ा है एंड पढ़ा क्या मैं खुद फील कर रही हूँ दैट आफ्टर प्रेगनेंसी यू नो बहुत लेडीज़ को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है एंड विच इज़ अ थिंग. ये कोई ऐसा नहीं है कि भैया ये सब चीज़ें तो नहीं होती हैं बाहर के देशों में, नहीं इंडिया में भी होती हैं. इट्स जस्ट दैट हम लोग उस चीज़ को, हम मेंटल इलनेस को सीरियसली लेते नहीं हैं, लेट्स बी फ्रैंक. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इस टाइम पर ना कोशिश ये करो जो मदर हैं उनको आप कोई मेंटल प्रेशर ना दो तो बेटर है, बिकॉज वी आर फिजिकली ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. हम फिज़िकली बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो. गाइस दोनों में ही हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ हो रहा है. ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बस दो दिन में हम नाचने गाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है. उनको भी नॉर्मल होने में टाइम लगता है. हाँ, सी सेक्शन वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको रिकवरी फेज़ उनका 3 से 6 महीने होता है एंड मैं स्टिल इन माई रिकवरी फेज़ एंड मैं उसकी भी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी अबाउट माय यू नो सी सेक्शन एंड व्हाट ऑल आई डिड एंड ऑल दैट. दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट टॉपिक, सो दैट इज़ व्हाई आई वांट दैट टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो. बट ये वीडियो में स्पेशली यू नो मैं फोर्थ ट्राइमेस्टर के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं. सो क्या होता है फोर्थ ट्राइमेस्टर में, बच्चा आने के बाद क्या होता है? बच्चा आने के बाद यू ब्लीड, वेदर इट्स अ सी सेक्शन वेदर इट्स अ नॉर्मल, यू ब्लीड फॉर 22, somebody bleeds for 30 and somebody more than that. So it's, तो क्या होता है कि जब आपका बेबी होता है तो जब सी सेक्शन में क्या होता है, जो जिनका सी सेक्शन होता है उनको कम ब्लीडिंग होती है बिकॉज जब हमारा ऑपरेशन होता है तो हमारा ऑलरेडी वो गंध निकाल देते हैं. तो जब हम नॉर्मल होते हैं तो हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए ब्लीडिंग होती है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है. मेरे एक्सपीरियंस में मुझे 22 to 23 डेज ब्लीडिंग हुई थी बट बहुत कम थी. नॉर्मल डिलीवरी होती है जिनकी, उनको बस हैवी ब्लीडिंग होती है क्योंकि वो निकलेगा. माइंड इट जब आपकी हद से ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग, देखो आपको स्टार्टिंग के फेज में होगा, आपको लगा लो 1 week या 2 week हैवी ब्लीडिंग होगी, लेकिन आपकी अगर हैवी ब्लीडिंग ज़्यादा मतलब जैसे कि आपको 10-15 दिन हो गए फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर बिकॉज दैट इज़ नॉट अ गुड साइन. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लीडिंग होती है एंड काफ़ी टाइम तक होती है. सो पैनिक नहीं होना, भूख लगती है, भूख इसलिए भी लगती है बिकॉज यू आर फीडिंग योर चाइल्ड. सो दूध हमारे खाने से बनता है, जो हम खाते हैं उससे बनता है, तो वो हमारी बॉडी में भी लगेगा और वो दूध भी बनेगा उससे बच्चा भी पिएगा. तो ईट हेल्दी, अच्छा खाइए एंड मेंटल हेल्थ प्लीज़. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मुझे ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है. बट या मुझे इस टाइम पर भी यू नो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर दिया गया था, आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी बडीज़ नेम, बट लोगों ने
या मैं कहूँ मेरे अपनों ने इतनी भी सहमत नहीं दिखाई कि यू नो मैंने अभी डिलीवरी यू नो की है एंड स्टिल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई एंड यू नो क्यों हुई मुझे नहीं पता. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको इतना भी लिहाज नहीं है कि मैंने अभी बच्चा किया है सो ये पॉलिटिक्स बाद में कर सकते हैं. बट वही होता है ना कि जैसे ही घर में नया सदस्य आता है तो घर वालों में एक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है. दैट इज़ व्हाट हैपेंड एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. करो अपनी पॉलिटिक्स करो बट योर पॉलिटिक्स इज़ अफेक्टिंग मी एंड मैं अफेक्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई. दो मेरा हस्बैंड इज सपोर्टिव एंड बट हर जगह नहीं, कभी कभी यू नो वो मेरे मूड स्विंग्स या वो इन सब चीज़ों में अफेक्ट हो रही हूँ वो उसको नहीं समझा रहे थे. ही वॉज लाइक छोड़ो ना, करने दो ना. बट छोड़ने वाली बात नहीं होती ना, नहीं छोड़ा जा रहा था. मैं उन चीज़ों से अफेक्ट हो रही थी तो कभी कभी वो इरीटेट हो जाता था जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए गाइस. क्योंकि इस टाइम पे ना ऑलरेडी हम फिज़िकली परेशान हैं यू नो. जब हम बच्चों को फील करते हैं हमारे रिस्ट बहुत ज़्यादा पेन होता है. इनमें मेरे स्टिचेस में पेन हो रहा है. अपना मनपसंद का खा नहीं सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं एंड देर आर मैनी थिंग्स वी आर ब्लीडिंग एंड देन लोग बाज नहीं आते हैं कुछ हरकत करने के लिए, कुछ हरकत करते हैं. दीज ऑल थिंग अफेक्ट अस मेंटली. सो गाइस अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिनो जिसका अभी बेबी हुआ है सो प्लीज़ 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 उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी मत लाइए. यू डोंट नो कि वो इंसान ने अभी चाइल्ड बर्थ किया है कितना पेनफुल था एंड क्या क्या उसकी बॉडी में चल रहा है. यू डोंट नो इट. तो आप उसको खुश नहीं रख सकते तो उसको दुखी भी मत रखिए. प्लीज़ 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 मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए एंड ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ अ थिंग. प्लीज़ इसको एक उसमें मत लीजिए कि ये क्या होता है तो ये अंग्रेजी टर्म है. नो दैट इज़ नॉट अंग्रेजी टर्म, ये होता है. सॉरी फॉर कटिंग द वीडियो बिकॉज अब मैं अकेली नहीं हूँ, बेबी भी है. सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट द पोस्टमार्टम डिप्रेशन. सो दैट इज़ अ थिंग आई नो बिकॉज मैं छोटी चीज़ों को दिन में लगा देती थी एंड आई यूज टू क्रैक फॉर दैट होल डे. मैं पूरे दिन भर रोती रहती थी. बेबी का फंक्शन है कोई, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था तो मुझे बहुत बुरा फील होता था कि मैं कैसी यू नो कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे के फंक्शन में खुश नहीं हो रही है. बट दैट वॉज नॉट अबाउट माई बेबी, दैट वॉज अबाउट मी. सो एनी वेज दिस इज़ अ फेस. अब मैं ठीक हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग मदर एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी रिकवरी अच्छी चल रही है एंड फोर्थ ट्राइमेस्टर इज ऑल अबाउट अस गेटिंग रिकवर्ड, ब्लीडिंग, मूड स्विंग्स एंड वॉट नॉट. बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं अबाउट आर सेल्फ दैट चाइल्ड बर्थ के बाद हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में पीपल इग्नोर इट. बट प्लीज़ गाइस प्लीज़ डोंट इग्नोर इट. फोर्थ ट्राइमेस्टर इज़ अ थिंग सो यू शुड कीप दैट इन माइंड एंड यू शुड हेल्प द न्यू मदर्स. उनकी मुसीबत नहीं बढ़ गई है, उनकी हेल्प कीजिए. एंड आई एम बैक टू माई नॉर्मल वेट. मेरी जो बेली है वो 2 वीक्स में अंदर चली गई थी एंड आई एम बैक. सो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय फोर्थ ट्राइमेस्टर अपडेट दैट आई थिंक आई शुड बी गिविंग यू. एंड कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, डू लेट मी नो. एंड आई एम हैप्पी कि नाउ यू नो न्यू मदर्स या जो मदर्स अभी यू नो जिनकी बेबी होने वाला है दे आर कमिंग टू मी एंड दे आर, आई एम नॉट लाइंग, दे आर कमिंग टू मी एंड दे आर आस्किंग मी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आई विल बी कवरिंग दैट इन माई यू नो कमिंग वीडियोज. कुछ कुछ रिगार्डिंग यू नो मिल्क, कुछ कुछ रिगार्डिंग प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर दैट. सो टेक केयर तब तक ले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. वी विल बी बैक विद मोर वीडियोज़. यू टेक केयर.
बाय बाय।